तो हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V11 प्रो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीवो V11 प्रो में एक नया अपडेट आया था अभी, जो कि है 6.12.2, ठीक है। और इस अपडेट में काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऐड हुए हैं, मतलब 4-5 फीचर ऐड हुए हैं और काफ़ी अच्छा अपडेट था ये, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको चेंजेस देखने को मिली है। तो गाइस फाइनली मैंने एक वीडियो बनाई थी फुल रिव्यू की, बट वो क्या था कि मैंने तुरंत बना दी थी जैसे अपडेट किया था, तो इस चक्कर में मैंने क्या कि सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाया था क्या क्या अपडेट हुआ है, ठीक है, उसमें चेंजेस हुए। बट अभी फाइनली मैंने 2 से 3 दिन इस अपडेट को यूज़ किया है, अपडेट होने के बाद फ़ोन को यूज़ किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको चेंजेस मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट की गई हैं इस वाले फ़ोन में। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू दिखाने वाला हूँ, इसमें क्या क्या आपका चेंजेस हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट का वर्जन दिखा देता हूँ, आपको मिल गया है या नहीं मिला वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज आपको इस अपडेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिल रही है वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मुझे तो वैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, थोड़ी बहुत बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे 6.12.2, ठीक है। तो ये अपडेट आ चुका, तो बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत हो रही है गाइज। अगर आप बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा ही हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। तो देखिए गाइज, अपडेट करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जैसे कि नेविगेशन बार में आपके थोड़े से चेंजेस हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ किधर गया ये देखिए भाई, जिसमें आपको थोड़े से चेंजेस हुए हैं। पहले जो था ना बैक लेफ्ट राइट का नहीं था यहाँ पे, ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते। तो नेविगेशन गेस्चर स्टाइल ये फीचर्स आपको देखने को मिल रहे यहाँ पे, ये पहले भी आते थे, बट यहाँ पे स्वाइप अप टू फुल स्क्रीन इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप किस एप्लीकेशन को आप रखना चाहते हो, किसको नहीं, ये कस्टमाइज हो गया। और यहाँ पे चेंजेस जो हुआ है वो ये हुआ है कि पहले हम एक साइड से ही कर रखते थे कि लेफ्ट साइड में ही रख पाते तो लेफ्ट में, राइट में रख पाते तो राइट में, तो पहले हमें राइट को ही मिलता था बैक बटन, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद गाइज अभी मैंने ये राइट पर क्लिक कर रखा है, ये ले, तो गाइज उसके बाद यहाँ पे आपको जो वीवो V15 प्रो में मिलता था आपको गेम अल्ट्रा गेम मोड का, पहले जो मिलता था गेम मोड मिलता था ओनली, और अब जो है आपको अल्ट्रा गेम मोड मिल जाएगा। तो मतलब कि ये भी हमारा चेंजेस हो गया, इसमें भी आपको अगर यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, जैसे ये गेमिंग के काम आता है, गेम को आप अगर इसके अंदर खेलते हो थोड़ा तो नोटिफिकेशन वगैरह अगर आप इसके अंदर जाकर खेलते हो तो नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हो गेम यूज़ करते टाइम, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद गाइस इसमें एक चीज़ और चेंजेस हुई है, अगर लॉक स्क्रीन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अलवाइज ऑन डिस्प्ले का, तो अलवाइज ऑन डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हैं पूरा स्टाइल चेंज हो गया और कई सारी थीम्स आपको यहाँ पर चेंजेस मिली हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, ये पहले थी और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस काफ़ी सारी ये वाली जो ऐड हुई हैं, ये चेंजेस हो गई, ये भी चेंज हो गई है, मतलब कि ये बढ़ के आई हैं, काफ़ी सारी इसमें बढ़ के आई हैं। और यहाँ पर आप अपने वॉलपेपर देख सकते हैं कि अपने हिसाब से यह वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो, तो काफ़ी सारी इसमें स्क्रीन्स पे भी चेंज हुई हैं, ये भी चेंजेस हुए हैं। और गाइज एक फीचर्स आपको और चेंजेस हुआ है, और यहाँ पे आप कलरफुल्स वगैरह कोई सी भी लगा सकते हो, देख सकते हैं कि कलर भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिले हैं। उसके बाद गाइज आपको चेंजेस एक और मिला है, वो क्या है मैं दिखा देता हूँ। अगर आप जाते हो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में तो यहाँ पर आपको जो है एप्स इनक्रिप्शन में अगर जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज आपको हाइड एप्स का फीचर्स आ गया, कि पहले हाइड एप्स का नहीं आता था, बट यहाँ पे आपको हाइड एप्स का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे इसमें चेंजेस मिले हैं। और कैमरे वगैरह को अगर लेके हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा खास आपको फीचर्स चेंजेस नहीं मिले, कैमरे में कुछ भी ऐड नहीं किया जबकि बताया गया था कि कैमरे में इम्प्रूव किया जाएगा, और सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं आपके 1 जुलाई के हो गए हैं, और बस इतने ही चेंजेस आपको मिले हैं इसमें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।